आपका मेरे चैनल आरके कोचिंग सेंटर। आइए, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको कितने आसानी से और 30 सेकंड के क्वेश्चन को 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे, आइए ऑप्शन देखकर के आंसर देना सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बेस समझिए, उसके बाद आप ट्रिक समझिएगा। बेस नहीं जानिएगा तो ट्रिक समझ में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं बेस क्या है इसका। सीपी, सबसे पहले आप कहीं जाते हो तो किसी वस्तु को खरीदते हो, परचेजिंग करते हो, तो जो आप परचेजिंग करते हो, परचेजिंग के रूप में सामान लेते हो, पैसा देते हो। जो अभी प्रेजेंट में करेंसी चल रहा है, हम लोगों का रुपी में करेंसी चल रहा है, तो आप जो पैसा देते हो ऑब्जेक्ट के बदले में, उसे ही क्या कहा जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यानी जिसपे आप किसी चीज को खरीद रहे हो, जिस मूल्य पे। तो जब हम किसी मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदते हैं, उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस, जिसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, मैंने किसी को इसे बेच दिया 5 रुपए में, मैंने उससे पैसा लिया और दे दिया, तो उस पर्सन का मैंने 5 रुपए लिया, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 5 रुपया, और उसका सीपी क्या हुआ, 5 रुपया। तो आप समझ गए। अब आपके ब्रेन बहुत तेज काम करता है। आप परचेजिंग करोगे कम में, जैसे आपने खरीदा 2 रुपए में और आपने बेचा 5 रुपए में, तो आप तो सीधे कहोगे सर फायदा हो रहा है, फायदा होता ये तब 103 रुपये ठगता रहूं, ले बरन 2 रुपया में, बेचा तरन 5 रुपया में, कहोगे ना बाबू। तो ये तो सीधे आपको दिख रहा है कि जो खरीदे थे वो सीपी था और जो बेच रहे हो आप वो एसपी है। बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर 2 से 5 बड़ा है, एसपी बड़ा है। जब भी एसपी बड़ा हो उस केस में होगा प्रॉफिट, उस केस में होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब ही होता है फायदा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का तुम फॉर्मूला बना दोगे, बड़का में से छोटका को कम कर लोगे, घटा दोगे, यानी एसपी माइनस सीपी। देखो यहीं पे सीपी था 2 रुपया, एसपी था 5 रुपया, 5 रुपया में से 2 रुपया घटा दोगे तो आपको कितना फायदा होगा, 3 रुपया फायदा होगा, यानी ये प्रॉफिट हो गया आपका। समझ में आया। अब यहीं से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे, याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला बनाना सीखिए, मेरे साथ जुड़िए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सरवाड़ा से पास में है तो कोचिंग ज्वाइन कीजिए, इससे भी बेटर तरीके से आपको समझाया जाएगा। आइए देखिए, अब यहाँ पे हमें एसपी का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ इसको यहीं पे रखिए, इसको लेके चले आइए इधर। तो एसपी सेलिंग प्राइस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सेलिंग प्राइस है ये, प्रॉफिट है ये, आ गया इधर, तो प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा, सीपी। अब समझिए सीपी का फॉर्मूला मुझे बनाना है, तो सीपी को लाइए इधर, प्रॉफिट को ले जाइए इधर, तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया, ये जहां का तहां रहेगा एसपी, और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया समझिए, एक्स प्लस वाई बराबर जेड है, अगर वाई मुझे लिखना हो तो ये प्लस में है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस में है तो जेड प्लस एक्स हो जाएगा, अगर x के लिए लिखना है तो z प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया आपको। तो चलिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉफिट और सीपी दिया हो तो आप एसपी निकाल सकते हैं, अगर आपको एसपी और प्रॉफिट दिया हो तो आप सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो ना बाबू। नेक्स्ट, जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो, किसी भी चीज में फायदा या घाटा, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे देखा जाता है। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, आप लिखोगे प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। जैसे आपका यहां प्रॉफिट आया था 3 रुपया आया था, 3 गुना सीपी 3 गुना 100, किसी भी चीज को 100% में बनाने के लिए 100% से गुना करते हो, आज सीपी आपका कितना था बाबू, 2, ये कट जाएगा 50, 15, 115, 10 लगा दो, यानी 150% आपको फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हो। आइए अब ये आपका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर इसको आप समझ लिए हैं तो आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए।
नोट नहीं कीजिएगा, सोचिएगा देख करके सीख गए हैं तो ये संभव नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग तो माध्यम है आपको बताने के लिए कैसे चलना है, प्रैक्टिस बाबू आपको करना है, अलग अलग क्वेश्चन ढूंढ करके खुद सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये केस, लॉस वाला केस। तो अब आपको पता है कि खरीदोगे ज्यादा में बेचोगे कम में तो आपको घाटा लगेगा, उसी घाटे को ही बोलोगे लॉस। तो देखो अगर सीपी बड़ा हो जाए आपके एसपी से, यानी आप खरीद रहे हो दस रुपया में आप बेच रहे हो 8 रुपया में, तो खरीदे 10 में बेचे 8 में, तो आप तो सीधी बात है कि कम में बेच रहे हो, लॉस होना है। तो इस केस में लॉस के लिए फॉर्मूला बनेगा सीपी माइनस एसपी, ओके। अब यहां से भी सीपी और एसपी का फॉर्मूला बनेगा, सीपी के लिए आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला तो यहाँ के जुट जाएगा, लॉस प्लस एसपी क्योंकि माइनस में था। अब ये सेलिंग प्राइस इधर आएगा तो लॉस उधर चला जाएगा, सेलिंग प्राइस तो सीपी प्लस सॉरी ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, लॉस हो गया। और लॉस होगा तो लॉस परसेंट भी निकाल सकते हो, लॉस इंटू 100। अब भाई मैंने बोला फायदा हो या घाटा हो हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, लॉस इंटू 100 बाई सीपी, लॉस परसेंट हो गया, समझ में आया। अब जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए मुझे लॉस निकालना होगा, लॉस कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है, 10 में से 8 गया, लॉस 2 रुपया हुआ आपको, लॉस परसेंट निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला है लॉस, लॉस कितना है 2 into 100% और बाई में सीपी कितना है बाबू, सीपी है 10, 10 से 10 कट गया, 10 to 20% आपको लॉस हो गया, समझ में आया। अब देखिए कुछ स्पेसिफिक केस, ये हो गया फॉर्मूला और बेसिक, अब कुछ स्पेसिफिक केस देखिए कि हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के लिए और कैसे निकाल सकते हैं, ओके। आइए बहुत आसान है प्रॉफिट लॉस अर्थमेटिक मैथ, अगर मैं करा दूं तो आप ऑप्शन देख करके आंसर कीजिएगा। और एक चीज बता दूं मैं, कॉम्पिटेटिव बैच जो 9 मार्च के बाद सभी कंपटीशन के लिए मैथ मैथ्स ट्रिक्स रीजनिंग ये हिस्ट्री पॉलिटी यानी सोशल साइंस जीके जीएस जो आप बोलते हो पूर्ण तैयारी मात्र 3 मंथ में इतना अच्छा कर दूंगा कि आप किसी भी एग्जाम को फेस कर जाओ। चलो तो यहां देखो बाबू कुछ स्पेसिफिक केस में, इफ आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, एसपी दिया हो, एसपी गिवेन हो, कुछ भी एसपी मान लो एक्स गिवेन है और आपको प्रॉफिट परसेंट भी गिवेन है, प्रॉफिट परसेंट आपको दे रखा है वाई परसेंट, कोई भी लेटर ले सकते हो। तो आपको सीपी निकालना हो तो सीपी के लिए क्या फॉर्मूला बनाइएगा, सीपी के लिए क्या फॉर्मूला बनाइएगा तो लिखिएगा एसपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, समझ में आया। प्रॉफिट परसेंट है तो ठीक है, जैसे यहाँ क्या है एसपी कितना है 100 तो एक्स गुने 100 अब बटा 100 प्लस वाई परसेंट, समझ में आया। लॉस हुआ होता अगर यहां मान लो लॉस हुआ होता तुमको जेड परसेंट तो यहाँ क्या लिखते हैं 100 माइनस जेड परसेंट, इस फॉर्मूले में मान रखते हैं आप निकाल सकते हो सीपी, निकाल सकते हो ना। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट केस, यदि आपको सीपी गिवेन हो, क्या हो सीपी गिवेन हो प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवेन हो, ठीक है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100, आपका सीपी मिल जाएगा, समझ में आया। अब एक क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, देखो अब सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं कंपटीशन में, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा जिसमें आप सस्पिशन में पड़ोगे, तो आइए एक क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ओके। क्वेश्चन हम लोग पूरा एकदम हीटेड क्वेश्चन को देखेंगे,
क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, मजा आएगा। देखो बाबू, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, सीपी ऑफ फाइव एप्पल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ एट एप्पल्स। फाइंड द गेन या लॉस परसेंट। पहले इसको हम लोग देखेंगे प्रोसेस से, उसके बाद देखेंगे ट्रिक से। ओके, देखिए बाबू क्या कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन। पांच सेब का जितना खरीद मूल्य है उतना ही में आठ सेब बेच दे रहा है। सेब खरीदा मान लो एक रुपया में पांच गो, और एक रुपया में ग्राहक को दे दे रहा है आठ गो। पता है कि पांच लाया था एक रुपया में और आठ दे दे रहा है, ये तो मूर्ख है, घाटे में जा रहा है, पक्का है कि लॉस होगा। तो देखिए इससे पकड़ा गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत लोग एक आर्टिकल को करके करता है तो फ्रैक्शन में बड़ा छोटा पता जल्दी नहीं चलता है। इसको देखिए कैसे प्रोसेस से भी, यहां लिखेंगे लेट सीपी ऑफ फाइव एप्पल्स इज इक्वल टू रूपी वन, मान लिया मैंने। पांच और आठ का एलसीएम कितना होने वाला है, चालीस होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, आर्टिकल को सेम करूंगा, सीपी ऑफ 40 एप्पल्स इज इक्वल टू, फाइव को कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, एट से, तो ये कितना, एट से मल्टीप्लाई करेंगे एट रुपी हो गया। अब देखिए एसपी ऑफ एट एप्पल्स कह रहा है कि जितना में हम खरीदे थे उतना ही में बेच रहे हैं आठ गो, यानी रुपया ए। अब देखो आर्टिकल सेम करना है, ये 40 तो इसको भी 40 करना है। एसपी ऑफ 40 एप्पल्स इज इक्वल टू, आठ को कितने बार गुना किया हो तो 40 आया, पांच बार, तो इसमें पांच से करोगे पांच। अब जरा देखो 40 40, आर्टिकल सेम हो गया सीपी एसपी, और यहां गौर कर लो सीपी है आठ रुपया, एसपी है पांच रुपया। ले बाबू ले बेटा, खरीदा ज्यादा में बेचा कम में, लॉस होना है। तो यहां देखिए लिखेंगे एसपी इज लेस देन सीपी, सीपी बड़ा है ना, यहां देखिए आर्टिकल सेम हो गया तो देख लीजिए सीपी, तो क्या होगा लॉस होगा, लॉस सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आठ, में से क्या घटाइएगा पांच, कितना रुपया आ गया, तीन रुपया आ गया, आठ में से पांच घटेगा तो तीन रुपया आ गया, तो लॉस परसेंट। अब तो लॉस आया है तो लॉस परसेंट आ रहा है ना यार, आ रहा है लॉस परसेंट, तो लॉस इंटू 100% बाई सीपी, लॉस तीन रुपया गुने 100%। अब बटा में सीपी कितना है बाबू, सीपी कितना है देख लो, सीपी ऑफ 40 आर्टिकल 8, चार से कटेगा 25, चार से कटेगा 2। अब जरा देखो यहाँ पे 25 तिया 75 बटा 2, यानी 36 दूनी कितना होगा, 36 दूनी 72, 37 दूनी 74 होता है 37.5% आ गया। अब इसे देखिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे, इसका ट्रिक क्या है, कितना जल्दी बनेगा। एक जगह लिखिए सीपी, एक जगह लिखिए एसपी। सीपी कितना 5 और एसपी कितना है 8, 5 और 8, इसको चेंज कर लीजिए, 8 और 5 हो गया सीपी। अब यहां गौर कीजिए सीपी 8 रुपया है, एसपी 5 रुपया है, कितना रुपया का हानि हो रहा है, 3 रुपये का हानि हो रहा है, 3 तो प्रॉफिट, हानि जब 3 रुपये का आ रहा है तो लॉस परसेंट, यानी लॉस हो रहा है 3 रुपया, सीधे दिख रहा है सीपी 8 है एसपी 5 है, सीपी बड़ा है बाबू लॉस होना है, तो लॉस 5 से कितना ज्यादा ये दिख रहा है 3, तो 3 लॉस हुआ 100%। अब बटा सीपी देखिए कितना है 8, देखिए वही टर्म आया यहाँ पे। अब इसको आप करेक्शन कीजिएगा तो आ जाएगा 37.5%, देखिए कितना जल्दी आ गया। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, बाय।